रिवर नर्सिंग कॉलेज की छात्र छात्राएं दर दर भटकने को है मजबूर। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। रिवर नर्सिंग कॉलेज की छात्र छात्राएं दर दर भटकने को मजबूर हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 11 महीने बीत जाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया है। अगले एग्जाम का शेड्यूल आ गया है, फिर भी पिछला रिजल्ट नहीं आया है। इस कारण से छात्र छात्राएं परेशान हैं, उन्हें लग रहा है कि पिछला एग्जाम रेड ना कर दिया जाए। छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस बात को लेकर आज डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के घर का सभी छात्राओं ने घेराव किया। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। दीपिका यादव सर, हम लोग जब भोपाल गए थे ये मतलब पीएनएसटी रिजल्ट को लेके, तो वहाँ से हमको डीएचएस विभाग से भगा दिया गया। वहाँ कोई रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट को दिया ही नहीं जाता है। और जब हम लोग ईएसबी गए तो वहाँ बोला गया कि कोर्ट में रुका हुआ है, और दोनों एक दूसरे पर ही ब्लेम कर रहे हैं। वो मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि रिजल्ट जारी करने के लिए अपना वो ले रहा है, और ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रुका हुआ है। तो सर ये मतलब जिम्मेदारी तो विभाग की है ना कि वो स्टे हटवाए और हमारा रिजल्ट जारी करवाए। उसके लिए हम लोग थोड़ी जिम्मेदार हैं सर। मतलब अगर एग्ज़ाम लेना गवर्नमेंट का वो है तो हम रिजल्ट जारी करना भी तो उनका रिस्पॉन्सिबल होता है ना। क्या मानते हैं इतना मेहनत किया आप लोग सर? किसकी लापरवाही सर? ये गवर्नमेंट की लापरवाही और डिपार्टमेंट, डीएचएस डिपार्टमेंट और जो डीएमई डिपार्टमेंट है वो अपना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा रिजल्ट जारी करने के लिए। और कोर्ट ने जो स्टे लगाया है तो विभाग की ही जिम्मेदारी है स्टे हटवाने के लिए, पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, ना कोई वहाँ पर आंसर दे रहा है। मेरा नाम निधि सिंह है सर। यहाँ पे हमने भी 2022 में पेपर दिया था जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है सर। हम सर लोगों के पास 10 बार आ चुके हैं, हमारी बातों को वैल्यू नहीं दिया जाता है। बोलते हैं ठीक है कार्यवाही होगी, सुना जाएगा, आएगा रिजल्ट, लेकिन नहीं आता है सर। और 11 महीने हो चुके हैं और नए पेपर का नोटिफिकेशन आ गया है, नए पेपर का शेड्यूल जारी हो गया। हम लोगों को डर है कि कहीं हम लोगों का रिजल्ट रद्द ना कर दिया जाए सर। और आप लोग कलेक्टर से मुलाकात? कलेक्टर से मुलाकात किए हैं, डीएमई ऑफिस भी गए हैं, डीएचएस ऑफिस गए हैं, और ईएसबी ऑफिस भी गए हैं सर। और डिप्टी सीएम सर के पास हम लोग 10 बार आए हैं, फिर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस बार सर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चियाँ आई हुई हैं, सिवनी से आई हुई हैं और दूर दूर से आई हुई हैं सर। सर हमारा पिछले एग्जाम का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और न्यू एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या हमारा रिजल्ट नहीं आएगा? सर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आई हुई छात्राएं हैं, सीधी से, सतना से, सिंगरौली, मुरैना, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पूरे एमपी से आई हुई स्टूडेंट हैं। और सर हम इतना परेशान हैं, 10 महीने से हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम लोग करें तो क्या करें बताइए? वेट कर रहे हैं 10 महीने से, इतनी सारी स्टूडेंट हैं, हम रिजल्ट के इंतज़ार में ओवर एज हो रहे हैं। तो 66,000 स्टूडेंट हैं जिसमें रिजल्ट की वजह से हम लोग नहीं आ रहा, तो ओवर एज हो रहे हैं और दोबारा एग्जाम नहीं दे सकेंगे। तो ऐसे में हमारे भविष्य की चिंता हमको है और सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि रिजल्ट नहीं आएगा तो हम करेंगे क्या? कितनी देर से इंतजार हो रहा है? हम लोग तो 1 घंटे से बैठे हैं यहाँ, अभी सर तो आए नहीं है मिलने को, अभी नहीं हुई है। 2022 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, विगत 10 महीने हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया। यहाँ की छात्राएं मध्य प्रदेश की हर जिले की हो गई, सिवनी, छतरपुर, रीवा, सतना, मैहर, कटनी, हर जगह 5 बार स्पीड पोस्ट कर चुकी हैं सीएम ऑफिस के लिए। यहाँ पे रीवा में विधायक जी से और डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से 5 बार मुलाकात कर चुकी हैं, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई उनके द्वारा। और आज 2 घंटे से इंतजार कर रही बच्ची, वो अभी अंदर हैं घर के अंदर, मुलाकात करने के लिए बोले 11 बजे मुलाकात होगी। ऐसे में बच्चियाँ कब तक भटकती रहें? कई बार आप लोगों ने मुलाकात करी जी? 5 बार रीवा के गर्ल्स मुलाकात करने आ चुकी हैं, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, कोई जिम्मेदारी कार्रवाई नहीं की जाती है। अगला कदम आज हम इनको ज्ञापन देंगे एक बार पुनः, अगर इसके बाद कुछ नहीं होता तो 4 जून के बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद हम लोग भोपाल का रुख करेंगे, भोपाल में विभाग में डीएचएस ऑफिस का घेराव करेंगे। पूरे एमपी की, मध्य प्रदेश के हर जिले की छात्र आई हुई हैं। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।